बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरी जंग में पश्चिमी मीडिया अलग अलग दावे कर रहे हैं और ऐसे में पश्चिमी मीडिया ने एक और दावा किया है और यह दावा है कि हारते यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने जा रहे हैं। जग जाहिर है कि यूक्रेन को इस हमले में लगातार अमेरिका मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अब लंबी दूरी तक मिसाइलों से जो है मार करने वाली ऐसी मिसाइलें यूक्रेन को देने जा रहा है। मिसाइलों से रूस को जंग में हराया जा सकता है, ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया में किया गया। पश्चिमी मीडिया ये दावा करती है कि इस बात की संभावना अब 100% तक बढ़ गई है कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है। अमेरिका लगातार घातक हथियार यूक्रेन को इस पूरे हमले में दिला रहा है और ऐसे में एक और मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका देने जा रहा है। ये मिसाइल ऐसी है कि कितनी लंबी दूरी तक ये अपने टारगेट को सेट कर सकती है और मार कर सकती है। ऐसे में इस पूरे युद्ध में यूक्रेन को बड़ी मदद मिल सकती है। अमेरिका अब युद्ध में एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरा युद्ध पलट सकता है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को एक ऐसा हथियार देने जा रहा है जो मॉस्को तक हमला करने की क्षमता रखता है। अगर रूस के अंदर हमले शुरू हो गए तो ये जंग वर्ल्ड वॉर का रूप निश्चित तौर पर ले सकती है। क्या रूस की राजधानी मॉस्को में भी मिसाइल बरसेगी? क्या रूस के पुराने और सबसे ऐतिहासिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सुपर बम फटेगा? क्या रूस का महान शहर लेनिनग्राद का आसमान रॉकेट्स के हमलों से ढक जाएगा? क्या रूस के बर्फीली इलाकों में जमी बर्फ आग में जलकर पिघलेगी? क्या बगावत का शहर रूस का बॉर्डर सिटी रोस्तोव भी नहीं बचेगा? ऐसा लग रहा है जैसे अब बाइडेन विश्व युद्ध को हरी झंडी दिखाने का मन बना चुके हैं। ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुका है। इस बात की चिंता ना बाइडेन को है और ना ही नेटो के 30 देशों को, क्योंकि मूल रूप से ये हथियारों का व्यापार कर लाभ कमाने वाले देश रहे हैं। यूक्रेन में इन देशों ने अपने हथियारों की खरीद फरोख्त की, अपने हथियारों की इंडस्ट्री का विकास किया और ज़ेलेंस्की को एक एक हथियार के लिए रुला दिया। ज़ेलेंस्की जो कभी फिल्म में अदाकारी करते थे, अब युद्ध के 500 दिन बाद एकदम मुरझा गए हैं और बूझे बूझे नजर आते हैं। ज़ेलेंस्की के कंधे झुक चुके हैं और पुतिन सीना चौड़ा करके यूक्रेन के बर्बादी का नया मेन्यू रोज जारी करते हैं। पुतिन का शेर की तरह दहाड़ना, बस यही वो बात है जो बाइडेन को बहुत चुभ रही है। बाइडेन को ज़ेलेंस्की की रोती हुई सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो पुतिन की जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मरता क्या न करता, अब बाइडेन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। इस बात की संभावना अब 100% बढ़ चुकी है कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है। दरअसल जिस तरह पुतिन खुद को जीता हुआ घोषित करने की जल्दी में दिख रहे हैं, उससे अमेरिका के अंदर बड़ी खलबली मच गई है। अमेरिका के हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अध्यक्ष माइकल मैककॉल ने बयान दिया है कि बाइडेन प्रशासन अब नहीं रुक सकता है। बड़े हथियारों को देने में बाइडेन सरकार ने जो देरी की है, उसकी वजह से पुतिन का उत्साह बहुत बढ़ गया है और युद्ध भी काफी लंबा खिंच गया है। इसकी कीमत यूक्रेन की जनता ने चुकाई है और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के फेल होने की आशंका भी बढ़ गई है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेक रिपब्लिक के हाल के दौरे में भी कहा था कि लंबी दूरी के हथियारों के बिना न केवल एक आक्रामक मिशन को पूरा करना बल्कि रक्षात्मक अभियान चलाना भी मुश्किल हो चुका है। यानी दुश्मन को दूर तक हमले करने का फायदा मिल रहा है, ये दांव हमारे पास नहीं है, इसीलिए लॉन्ग रेंज मिसाइल की केवल आक्रामक बल्कि हमारी सेना के रक्षात्मक और आक्रामक कार्रवाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब जेलेंस्की से मुलाकात के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति क्यू पहुंचे थे, उस वक्त भी जेलेंस्की ने बाइडेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग की थी। За свою свободу и свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу, українсько-американської співпраці. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до чого її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагон. जेलेंस्की ये बात जानते हैं कि जब तक रूस को घर के अंदर घुसकर मारा नहीं जाएगा तब तक रूस युद्ध से बाज नहीं आएगा। ऐसा युद्ध कोई भी नहीं लड़ना चाहता है जहां दुश्मन तो घर में घुसकर मार काट मचा रहा हो और जिसको मार पड़ रही है उसको ये अधिकार भी नहीं है कि वो दुश्मन के घर में घुस सके। यही वजह है कि रूस इस जंग में हावी है और इसीलिए जब से ये युद्ध शुरू हुआ है जेलेंस्की अमेरिका से एक खास मिसाइल मांग रहे हैं जिसका नाम है अटैकमस। इस मिसाइल को हिमास मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागा जा सकता है जिसको इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी यूक्रेन की फौज को है। अगर खार्कीव में इन मिसाइलों को तैनात कर दिया जाए तो रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक जेलेंस्की हमला कर सकते हैं। एमजीएम 140 या अटैकमस मिसाइल लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने तैयार की है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 610 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इस मिसाइल को M270 MLRS से भी दागा जा सकता है। ये दोनों लॉन्चर्स भी यूक्रेन के पास पहले से मौजूद हैं। इसका मतलब है कि जेलेंस्की क्यू में बैठे बैठे मॉस्को पर अटैक करेंगे। मिसाइल अटैक कीव से मॉस्को की दूरी करीब 710 किलोमीटर है। यानी कीव से छूटने वाली मिसाइल 3 से 4 मिनट में मॉस्को पहुंचेगी और देखते ही देखते मॉस्को की चीख निकल जाएगी। ये एमजीएम 140 मिसाइल कथित तौर पर 3.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला कर सकती है जिसे रोकना असंभव हो जाता है। ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि जहां गिरती है वहां सब कुछ खत्म कर देती है। इस मिसाइल को फायर करने की लागत करीब 7 करोड़ रुपए है। क्योंकि ये मिसाइल रूस के अंदर भी हमला कर सकती है इसलिए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बयान दिया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति करने का फैसला करता है तो ये रेड लाइन को क्रॉस करने वाला और रूस अमेरिका के बीच सीधी जंग का सूचक होगा। इसलिए बाइडेन के फैसले को वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी माना जा सकता है। दरअसल जेलेंस्की रूस के अंदर हमला इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रूस ने अपनी मिसाइलों से यूक्रेन को इतने घाव दिए हैं कि यूक्रेन के लोग दर्द से कराह रहे हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने पिछले 20 सालों में लगभग 4000 एमजीएम 140 या अटैकमस मिसाइल का उत्पादन किया है जिनमें से कुछ सहयोगी देशों को बेचे गए हैं। जेलेंस्की की मांग पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से बयान दिया गया है कि अटैकमस मिसाइल एक लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल है जो ऑपरेशनल कमांडरों को बड़ी लड़ाई जीतने के लिए और दूर तक मार करने के लिए काफी उपयोगी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका रूस के साथ तनाव को बढ़ाने से बचने के लिए एक और रास्ते पर भी अमल कर सकता है। ये भी संभव है कि अमेरिका पोलैंड के साथ सीक्रेट डील करके एनएसएम लॉन्ग रेंज वेपन यूक्रेन को मुहैया करवा दे। ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की अब पोलैंड के साथ लंबी दूरी की मिसाइल हासिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जेलेंस्की की नज़र रूस के नौसेना अड्डों तक मार करने में सक्षम 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइल एनएसएम पर भी है। एनएसएम यानी नेवल स्ट्राइक मिसाइल
जेलेंस्की ने 2 महीने पहले पोलैंड का दौरा किया था और उस वक्त भी उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री से लंबी दूरी के हथियारों के लिए बातचीत की थी, जो काफी अहम थी। जिस एनएसए मिसाइल की पोलैंड से बातचीत चल रही है, जरा देखिए एनएसए मिसाइल कैसे वार करती है, कैसे ये दुश्मन के टारगेट को खत्म कर देती है। जरा तस्वीरों को देखिए। ये मिसाइल जमीन और समंदर दोनों में मार कर सकती है। साल 2014 से पोलैंड इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये मिसाइल 400 किलोग्राम वजन के साथ 180 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है ताकि रूस के अंदर शहरों में भी मार की जा सके। जेलेंस्की किसी भी तरह लंबी दूरी की मिसाइलों को हासिल करने के लिए परेशान हैं। पोलैंड के द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस मिसाइल की एक खास बात यह भी है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। इसलिए जेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि इस मिसाइल की मदद से वो काला सागर के अंदर रूस के युद्धपोत को डुबो देंगे और समंदर से रूस का वर्चस्व ही खत्म कर देंगे। यूक्रेन के कई कमांडर्स ने जेलेंस्की को ये रिपोर्ट दी है कि उनकी फौज के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल ना होने की वजह से ही उन्हें 8 गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब यहीं पर यूक्रेन के झूठ का भी पर्दाफाश हो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना रूस के 232,810 सैनिकों को मार चुकी है। अगर जेलेंस्की की ये बात सच है कि यूक्रेन की फौज रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार चुकी है, फिर सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जेलेंस्की हथियारों की भीख क्यों मांग रहे हैं।